नीतीश कुमार के शासन में बिहार में दो नए उद्योग शुरू हो गए हैं, शराब माफिया और बालू माफिया। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। प्रशांत किशोर। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महनार प्रखंड में मीडिया से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में आज दो नए उद्योग शुरू हो गए हैं, शराब माफिया और बालू माफिया। आज से 5-7 वर्ष पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे जितने कि आज हो गए हैं। बिहार में आज ये दोनों उद्योग बढ़िया से फल फूल रहे हैं। बिहार में आज लाखों करोड़ों रुपए की शराब और बालू की लूट हो रही है और इसमें नीचे से ऊपर तक लोग मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, लेकिन शराब की घर घर होम डिलीवरी हो रही है। यही स्थिति बालू की है, जो जितना ताकतवर है वो वहां से बालू उठा रहा है। आज कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बालू माफिया ऐसे है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। सरकार भी इसको रोक नहीं रही है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी ऐसी घटना में खुलकर शामिल है। साथ साथ एक अंत में दो और बातें, जो दो नया उद्योग बिहार में शुरू हुआ है। एक है शराबबंदी से जुड़ा माफिया और बालू माफिया। बिहार में ये दोनों चीज आज से 5-7 बरस पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो उद्योग यहाँ जो एकदम फल फूल रहा है वो है शराब माफिया और बालू माफिया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की शराब और बालू की माध्यम से लूट हो रही है और इसमें लोग नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल बालू का है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वहां से बालू उठा रहा है, बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोग चोरी कर रहे हैं, कोई सरकार की ओर से